कम बैक माई चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू और मॉर्निंग का टाइम है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मॉर्निंग में हम लोग छत पे ही सो रहे हैं, तो मैंने हरे भरे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हरा भरा देखना तो आँखों के लिए बढ़िया होता है ना। तो मैंने सोचा हम देख रहे हैं तो आपको भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि मेरा ब्लॉग आ चुका है तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। छत पे ही सो रहे थे और छत पे हम लोग सोते हैं ना, तो ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये खुले आसमान के नीचे नहीं सोते। ये इसके नीचे ये जो मच्छरदानी दिख रही है, ये देखिए ये टेंट वाली ये मच्छरदानी है जो हम इनको इसके नीचे यहाँ पर चटाई लगाते हैं, बिस्तर लगाते हैं और इसके नीचे सोते हैं। तो यहीं सोते हैं। जिमी वहाँ से बैठे हुए खा रहे हैं मतलब। चलिए चलते हैं नीचे, नीचे क्या हो रहा है दिखाते हैं। और गाइस ये देखिए ये पेड़ मैंने कितनी बार यहाँ से इनके मतलब हमारे हस्बैंड जी ने हटाया है। ये टंकी के बगल में पता नहीं क्या है, अंदर जड़े हैं, ये निकल ही आता है। पीपल का पेड़ है, पता नहीं कैसे निकल आता है, भगवान जाने, अपने आप निकल आता है। बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। बाहर गली में जैसे कि आप जानते हैं सन्नाटा ही रहता है हमारी गली में। मॉर्निंग हो कुछ भी हो, बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइएगा आप लोग सब लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और सूर्य देवता जी निकल आए हैं। अब चलते हैं नीचे, संडे का दिन है जैसे कि। और ये मॉर्निंग का टाइम है इस समय। पापा जब हम लोग ऊपर सोते हैं ना तो पापा इस कमरे में ही सोते हैं। आयुष टहल रहे हैं बाहर और पीयूष उड़ गए हैं, तो ये मोबाइल में गेम में लग गए। और ये पापा सो रहे हैं यहाँ पर। कुछ बोलो रुक जाओ, मॉर्निंग में इच्छा नहीं होती ना ज़्यादा बोलने की, लेकिन मैं बोल रही हूँ। और हमारे साथ मिट्टू ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं और ये बैठा, ठीक है, काना। और हमारा मंगू ये टहल रहा है, ये देखिए। और ये रहे छोटे छोटे चूहे, सारे चूहे हमने हटा दिए। अभी जो बच्चे हैं ना ये सिर्फ चार चूहे हैं छोटे छोटे। अब इसमें कितनी चूहिया हैं, कितने चूहे हैं ये नहीं मालूम। ये चूहिया के बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देखिए केवल ओनली वन चार, ये देखिए। है बहुत प्यारे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो जी हमारी पूजा भी हो गई है, नहावा के मैं आ गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है। तो भगवान जी के भी दर्शन कर लीजिए, श्री गणेशाय नमः। हमारे भगवान जी की हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए, जो हमारा मंदिर है कर लीजिए। और जैसे कि आप जानते हैं संडे को थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि डेली तो फटाफट से सारे काम होते हैं, लेकिन संडे को थोड़ा सा लेट होता है। तो दर्शन कर लीजिए हमारे मंदिर के। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आयुष टहल के आ गए और ठंडी लग रही तो ओढ़ के बैठ गया, जाओ ना जाके। और वीडियो पे अगर आप नए आए हो तो क्या करना है आयुष? और वीडियो शेयर जरूर करिएगा। अच्छा, और हमारे वीडियो देख के जो अच्छा लगा उसी में उसको
उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, बता दीजिएगा। मिलते हैं, नाश्ता करेंगे, फिर मिलते हैं हम सब, ठीक है, थोड़ी देर में। हम सब कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। आपके जीजा जी क्या कर रहे हैं? किसी के जीजा जी, किसी के भैया, मतलब जो भी आपको लगते हो बोल सकते, बोलते हैं काफ़ी लोग, तो क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये नाश्ता तैयार कर रहे हैं सुबह का, यही हम सोच रहे हैं मॉर्निंग में लगाना चालू कर देंगे। नहीं, ये गरीबी गरीबी का नाश्ता है, फिलहाल संडे का नाश्ता है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। थोड़ा सा अभी इस समय 9 बज रहा है, अभी चाय बना दी है, अभी नाश्ते में ये बनाने जा रही हूँ, और ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, आटे से बनता है, ठीक है, गेहूँ के आटे से, तो आटा पहले ही से ही मैंने सान के रखा था, तो बस मैं गोली कर करके दे रही हूँ, और ये गोल कर रहे हैं, और ये डिज़ाइन तो मैंने दिखाया था जो बोतल से बनता है, जैसे कि आपको दिखा देते हैं। ये चपटा करने के बाद इस टाइप की बोतल लेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको छोड़ देंगे। ये देखिए बन गया ना, कितना बढ़िया सा, और ये मशरूम की डिज़ाइन आ जाती है। अब इसको पानी में बॉईल करके उसके बाद अपना फ्राई कर लीजिए अपने तरीके से। टमाटर, हरा मिर्चा, प्याज, क्या क्या करना होता है बता दो, पूरा बनाते नहीं दिखाएंगे, ये तो आप लोग कहेंगे बनाते हुए दिखा चुकी हूँ मैं, वैसे आप लोग जाके अगर देख लेना, बाकी अपने तरीके से मिर्चा, मैगी मसाला ये सब डाल, हाँ, सोया सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, जरूरी है, मतलब जितना हम तो जो हमारे पास है ना, हम तो वो डाल के बना लेंगे, बाकी आप आपके पास जितना बढ़िया सा बढ़िया चीज़ हो, शिमला मिर्च वगैरह हो वो भी डाल दो, और बढ़िया सा हरी भरी, हाँ हाँ, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत हेल्दी होगा और बढ़िया होगा, मतलब हम आपको बता रहे हैं, बाकी तो आप अपने और भी हमसे भी अच्छा बना सकते हैं, क्यों बाबू, तो बनाते हैं, आपको भी खिलाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। तो आज यही नाश्ता बनेगा और बना लेते हैं पूरा, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना तो जाओ, बहुत देर से हेलो नहीं बोले, नमस्ते नहीं किया किसी को, हंसते हुए स्माइल के साथ। चलिए ब्रश करके आओ, ठीक है, इन्होंने अभी सब सो के उठे, संडे को सबके साथ सबके घर में ही होता है, मेरे घर में नहीं, अभी देर में नाश्ता होगा, देर में खाना होगा, बस मैं संडे रूटीन जो जैसे मैंने बोला था शेयर कर रही हूँ, तो संडे का रूटीन यही है मेरा, तो 7:30 बजे तो 7 बजे मैं सो के खुद उठी हूँ, तो इतना ही बजे सब उठते हैं, संडे का तो यही सबके घर का है, शायद सबके घर का होता है लेट में नाश्ता, संडे है तो ज़रूरी है, फंडे तो होना ही चाहिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, नहीं तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। टेस्ट करके बताइए, और ये गरीबी अलग है, मतलब जब घर में हमारे कुछ ना हो ना, और बहुत हेल्दी, बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन करे, या बच्चे जिद करे, बहुत अच्छा सा स्नैक है, बनाइए, खिलाइए, खुद भी खाइए, हेल्दी है, और जब कुछ नहीं होता तो घर में आटा तो ज़रूर होता है ना, तो चलिए सबको टेस्ट कराते हैं और आपको बताते हैं, और हमारा आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो गाइस हमारे यहाँ सब खा रहे हैं, पापा भी खा, पापा कैसा बना है बताओ, अच्छा बना है, आयुष पीयूष, तो देख लीजिए आप लोग, सुन लीजिए सबके मुंह से, बन चुका है, तैयार हो गई है, ओके, और मैं पास्ता, हाँ ये देखिए नई चीज सिखाई है बाबू ने, देखिए नया पास्ता बन गया, तैयार हो गया है। तो भाई ये है गरीबी का नाश्ता, ठीक है, गरीबी का नाश्ता समझ सकते हैं, हेल्दी एंड मतलब गरीबी, हमारे संडे को ये नाश्ता बना है, संडे स्पेशल हमारा ये हो गया, आपने संडे स्पेशल क्या खाया वो भी बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, हम तो ये खाने वाले हैं, और जिसको खाना आ जाइए, बहुत हेल्दी होता है। मैंने आटा गूंदने से पहले उसमें नमक डाल लिया था, तो गूंद के उसके बाद सारे चीज़ मैंने बताया था ना, बॉईल कर लिया, उसके बाद अपना अपने हिसाब से मसाले डाल के फ्राई कर लिए, देखिए है ना, लग रहा ना बढ़िया, तो चलिए हम खाते हैं और आपको भी साथ में खिलाते हैं, सर्व कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस आ जाइए सभी लोग, खाने मतलब नाश्ता मैंने रेडी कर दिया, सब कर दिया, आप लोग टेस्ट करिए और टेस्ट करके बताइए। और ये गरीबी अलग है, मतलब जब घर में हमारे कुछ ना हो ना, और बहुत हेल्दी, बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन करे, या बच्चे जिद करे, बहुत अच्छा सा स्नैक है, बनाइए, खिलाइए, खुद भी खाइए, हेल्दी है, और जब कुछ नहीं होता तो घर में आटा तो ज़रूर होता है ना, तो चलिए सबको टेस्ट कराते हैं और आपको बताते हैं, और हमारा आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो गाइस हमारे यहाँ सब खा रहे हैं, पापा भी खा, पापा कैसा बना है बताओ, अच्छा बना है, आयुष पीयूष,
तो देख लीजिए आप लोग, सुन लीजिए सबके मुंह से। अच्छा अच्छा मतलब दिन कौन सा भी हो, क्या हो, संडे तो वैसे भी बढ़िया होता है, और कैसा भी दिन हो, कैसा भी समय हो, हमारा समय कैसा चल रहा हो, लेकिन जब हम पूरी फैमिली, किसी की फैमिली हो, हम पूरी फैमिली एक साथ बैठकर नाश्ता करते या खाना खाते हैं, तो सबसे सुकून भरा समय यही होता है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करने के लिए शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इधर कमेंट करिएगा। हाँ, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपने क्या खाया संडे को, और आपकी फैमिली भी साथ में बैठ के खाती है ऐसे, तो मुझे तो अच्छा लगता है। आपकी फैमिली कैसे खाती है वो भी बताना, क्योंकि हम हर दिन तो सब इधर उधर से चले जाते हैं, कभी कोई जल्दी भागता है, कोई जल्दी फटाफट खाया, कोई किसी ने खाया नहीं, सब आधे अधूरे, लेकिन संडे के दिन हम सब एक साथ होते हैं तो अच्छा लगता है। ओके फैमिली, बाय बाय, लव यू, जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली, लव यू, बाय बाय, बाय बाय बोलो पापा, बाय बाय बाय। हम लोग खाते हैं और आप भी बना कर ट्राई ज़रूर करना।